सबसे पहले तो नमस्कार सभी साथियों को, और धन्यवाद देना चाहूँगा भाई सचिन जी को कि इन्होंने ये जो प्रकृति से इनका जो लगाव है, इनका प्रेम है, उसको ज़िंदा रखते हुए आगे बढ़ाने का जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनके बारे में मैंने जैसे ही सुना, जाना, यूट्यूब पे इनके बारे में जानकारी की, उसके बाद बिना मिले इनसे रहा नहीं गया, तुरंत ही इनके पास आने के लिए इनसे टाइम लिया और आया। तो वास्तव में जैसा सुना था, प्रकृति को इन्होंने बचाने का बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इनकी फसलों को देखा, इन्होंने दो तीन जगह जहाँ भी अपने फार्म तैयार किए हुए हैं, पौधशाला तैयार की हुई है, पौधशाला भी देखी, यहाँ पे ये गन्ना भी देखा, बहुत अच्छी उन्नति और अच्छी इसकी स्वास्थ्य इसका गन्ने का देख के ही पता लगता है कि इन्होंने जो मेहनत की है, जो लगातार गौ आधारित प्राकृतिक SPK मॉडल को, सुभाष पालेकर जी के मॉडल को इन्होंने जो बढ़ावा दिया है, तो उसका लगातार दिखाई दे रहा है कि उसका लाभ है। ये बिल्कुल जो प्यारे इनकी फसल प्यारी है, और ये हमारे स्वास्थ्य पे लास्ट में आके ये हमारे स्वास्थ्य पे जिस प्रकार से ये फल फूल रही है, जिस प्रकार से इसका स्वास्थ्य है अच्छा है इनकी फसलों का, वही स्वास्थ्य सेम हम लोगों जो इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों के स्वास्थ्य पे भी इसका वही अच्छा प्रभाव पड़ना है। तो इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि भाई सचिन जी के मॉडल को देखें आके, और सुभाष पालेकर जी के मॉडल के अनुसार ये जो कर रहे हैं खेती, मैं तो लोगों को ला के, चूँकि सुभाष पालेकर जी यहाँ से काफ़ी दूर हैं हम लोगों के एरिया से, तो यहाँ धीरे धीरे जो किसानों को सरकार से तो उतनी सहायता कहीं नहीं मिल पा रही है ट्रेनिंग, तो ये भाई सचिन जी को हमने तैयार किया इस चीज़ के लिए कि आगे मिल के हम लोग किसान यहाँ आए, उनको यहाँ जानकारी देंगे। कहीं दूर किसानों का ऐसा ग्रुप होगा जो हमें सचिन जी को इनवाइट करेगा, तो हम लोग वहाँ अपने खुद के संसाधनों से वहाँ पहुँच के किसानों को जागरूक करेंगे कि भैया आप इस तरह से खेती करिए, और इस खेती में कतई नुकसान भी नहीं होना है। अगर आपने मन लगा के 3 साल क्रॉस कर लिए तो आपका कीट और वो लगने के झंझट ख़त्म हो जाएंगे, किसी कीटनाशक की पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, किसी कीटनाशक की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी तक मैंने कई जगह भ्रमण किया है, सबके अलग अलग अनुभव हैं, सबके अनुभवों के आधार पर सचिन जी का और अच्छा ही अनुभव मिला, और जो इन्होंने कर रखा है वो बहुत अच्छा कर रखा है। लोग जितना ज़्यादा इसको अपनाएंगे उतना अच्छा उनको लाभ मिलेगा। तो साथियों आएँ और सचिन जी के मॉडल को देखें, एक एक चीज़ इनके पास बहुत कीमती है। अगर मैं सबका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आजकल वीडियो ज़्यादा लंबे देखने में दिक्कत भी होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आएँ या सचिन जी को बुलाएँ, तो ये आपको पूरा अपना दिखाएंगे, समझाएंगे, और आपका खुद अपने आप मन होगा कि हाँ प्राकृतिक चीज़ें, ये हमारे स्वास्थ्य पे जो बीमारियाँ 95% आज के टाइम पे हैं, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, मानसिक विकार जो बढ़ रहे हैं, वो भी सारे प्रदूषण से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, वो भी खेतों में लगने वाली दवाओं के कारण उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो अब ज़मीन के पानी का दूषित पानी होना, वो भी ज़मीनों में लगने वाले केमिकल से ही पानी दूषित हो रहा है, और वायु प्रदूषण की बात आती है, यहाँ पे जो हम खा रहे हैं, भोजन जो प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रदूषण में तो पूरा पूरा है ही है, जो हम खाएंगे, जिस अन्न में जिस प्रकार के केमिकल्स लगेंगे वो हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हमारे पेट में जाएंगे, पूरे शरीर पर उसी प्रकार का असर आएगा। तो ईश्वर ने जो हम लोगों को बहुमूल्य ये अंग दिए हैं अपने शरीर के, पूरे आँख से लेके लीवर, किडनी, हार्ट, पूरा स्वस्थ रखने के लिए सभी से निवेदन है कि प्राकृतिक संसाधनों को अपनाएं, प्राकृतिक गौ आधारित खेती को अपनाएं, सुभाष पालेकर जी के मॉडल को अपनाएं, इस पद्धति से खेती करके अपना और अपने परिवार और समाज का, सबका भला करें। जय हिंद साथी।